सो आमर नेक्स्ट टॉपिक होची फ्रानोफोर डिफ्रैक्शन आटे सिंगल स्लिट। सो फर्स्ट हमको जानियो पड़ियो कोनो डिफ्रैक्शन कोन। ओके सो व्हेन एन ओपेक ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट। ओके सो इफ वी कंसीडर एनी ओपेक मटेरियल और ओपेक मीडियम और सपोज वी कंसीडर ए स्लिट। ओके स्लिट माने कोनो सब गोटे एटा जो ग्लास प्लेट आर्टिफिशियली गोटे स्मॉल ओपनिंग करा जाय थे। ओके जहाद्वारा कि लाइटा पास कर पाए। सो सेटा कहा जाए स्लिट। ओके सो गोटे ओपेक मीडियम जी आम स्लिट कनसीडर करचे इन द पाथ ऑफ लाइट। ओके सो सी कौन कर जो लाइट आस ब्लॉक कर चेस्टा कर तार शैडो फॉर्मेशन हम। ओके सो शैडो केत फॉर्मेशन हम। सो एटा केत पॉसिबल जितेबाला जो आम स्लिट कनसीडर करचे ऑब्स्टेकल कनसीडर करचे सो तार साइज टी लार्ज होइथिबार अछि। ओके सो इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और द स्लिट इज मेड स्मॉल। ओके सो व्हाट विल हैपन देन सम लाइट एंटर्स इन द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट। ओके सो व्हाट डू मीन बाय ज्योमेट्रिकल शैडो। सपोज वी कंसीडर दिस इज अ स्लिट। ओके सो वी इंसिडेंट सम लाइट ओके ऑन दिस स्लिट। ओके सो व्हाट विल हैपन सपोज दिस इज योर ए एंड बी दिस इज द नैरो ओपनिंग। सो व्हाट विल हैपन सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस। ओके because as compared to this light okay this aperture or this opening is very small. okay so what will happen some part of light will enter this geometrical shadow means jaddi ame ei part ko ame chhadi douche baki jetiki part rahila so seguda kahuchi kon seguda ko geometrical shadow part. okay so seta hochi geometrical shadow. okay so the phenomenon of bending of light round the corners of an obstacle or the slit is known as diffraction. okay so simply we can say the spreading out of a wave when it passes through a narrow opening is usually referred to as diffraction. so basically diffraction is of two types. okay so one is Fresnel diffraction and another is Fraunhofer diffraction. so Fresnel diffraction kon so jodi slit aur source bitare gote finite distance thibo. okay so distance when distance is finite then the diffraction is called as Fresnel diffraction. okay so what is Fraunhofer diffraction so jodi source aur slit bitare distance ta infinite thibo. okay सो सेतबेळे आम तक कहबा फ्रानोफोर डिफ्रैक्शन। सो आम आज टॉपिक होची कौन फ्रानोफोर डिफ्रैक्शन आट ए सिंगल स्लिट। ओके सो ये आम को डिफ्रैक्शन कनसीडर करवा फ्रानोफोर डिफ्रैक्शन। सो तार किसी बेसिक क्राइटेरिया जान ना। ओके सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज बोथ द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट और ऑब्स्टेकल। ओके सो जमीक आम डेफिनेशन पढ़ले सोर्स आउ आमर जदि आमे कंसीडर करबा कोन स्क्रीन जदि कंसीडर करबा ताले स्लिट थारु से माने इनफाइनाइट डिस्टेंस रे थिवे। ओके सेकंडली कोन सो जदि आमे बे कोन हला आमे जदि सोर्स कंसीडर करचे सो सेथरे जो लाइट रे आउछे सो सेटा के आमे कलेक्ट करबा। सो कलेक्ट केन करबा बाय मींस ऑफ यूजिंग लेंस। ओके सो थर्ड वन इज द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अपर्चर ऑफ द स्लिट इज प्लेन वेव फ्रंट। ओके सो जो सोर्स रु जोटा इनफाइनाइट डिस्टेंस रे अछि सो सेथरे जो लाइट रे आउछे सोटा को भाई से प्लेन वेव फ्रंट। ओके सो ए कंस्ट्रक्शन कनसीडर करवा सो आर कंस्ट्रक्शन आम सपोज फास्ट कनसीडर कले गोटे मोनोक्रोमाटिक सोर्स। ओके सो मोनोक्रोमाटिक सोर्स मान कौन से केवल गोटे वेव लेंथ रही लाइट प्रड्यूस कर। ओके सो ए सोर्स टी कौट अच्छी आम जो लेंस कनसीडर करवा तार फोकल फ्रेम रे अच्छी सोर्स। ओके सो से फास्ट क्या इल्यूमिनेट कर लेंस एल वन ही से फर्स्ट लाइट सोर्स इल्यूमिनेट कर। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स विल इमर्ज आउट फ्रॉम दिस लेंस एल वन। ओके सो एबे ए जो पैरेलल बीम बाहर इमर्ज हला सो सेटा कहा उपर एबे इंसिडेंट हबो आम जो स्लिट नहीं थी सपोज जो आम स्लिट नहीं ए बी जार वर्थ होची डी। ओके सो ता उपर एबे इंसिडेंट हबो एगेन जो लाइट बीम आसुची सो एगेन से इंसिडेंट हबो कहा उपर ना लेंस एल टू पर अगेन से कन्वेक्स एट गोटे कन्वेक्स लेंस। सो से रेज गुड़ाक कौटी कनभर्ज हो जाए कि ना स्क्रीन उपरे जो स्क्रीन टा कि लेंस एल टू फोकल फ्रेम रे ही अच्छी। ओके सो एथर आम क्यों भाई डिफ्रेक्शन पैटर्न पाइबा ना सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मैंने कौन सेंट्रल ब्राइट बैंड आउ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड आम डिफ्रेक्शन पैटर्न
पाइबा आउ सबोल कोन हबो आमे जदि बोथ साइड कंसीडर करबा सेंट्रल मैक्सिमा रा तल कोन हबो ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज हे जाउथिबो ओके सो जदि आमे होइजन प्रिंसिपल कंसीडर करबा ताले कोन होची सो अकॉर्डिंग टू होइजन प्रिंसिपल कोन हे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस व्हाट दिस प्लेन वेव फ्रंट इज ए सेकेंडरी सोर्स ओके सो आम जो ये प्लेन वेव फ्रंट कन्सीडर करते जो प्लेन वेव फ्रंट टी कहा स्लिट उपर इनसीडेंट हो सो तार इच एंड एव्री पॉइंट टी कौन गोटे सेकेंडरी सोर्स हिसाब से कन्सीडर कराए ओके सो से सेकेंडरी सोर्स जो अनडिड होन्स एल टू रे एल टू थ्रो रे स्क्रीन उपर इनसीडेंट हुए सो कौट इनसीडेंट हम ना पॉइंट ओ रे सो सब पॉइंट कौट इमर्ज हे ना पॉइंट ओ रे जदि से सेकेंडरी वेव डेविएट हुए बा डिफ्रैक्ट हुए सपोज बाय मीनस ऑफ एंगल थीटा ताहले सेमान कोड मर्ज करबे ना पॉइंट पी रे ओके सो आमे बे जानिने जे पॉइंट पी टा मैक्सिमम अटे कि मिनिमम अटे माने आरो इंटेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम अछि कि मिनिमम अछि सो तार इंटेंसिटी जो मैक्सिमम कि मिनिमम सेटा का पर डिपेंड करबो ना पाथ डिफरेंस उपर डिपेंड करबो सो ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स ता माने जो सब सेकेंडरी वेवलेट सो लेंस एल टू थ्रू रे जो स्क्रीन उपर इंसिडेंट होंदी ओके सो बेसिकली आमर जो प्रिंसिपल एक्सिस अछि सो ता सहित जो माने जो रे गुडा का पैरेलल थांदी इंसिडेंट परे सो माने गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे से माने स्क्रीन उपर इंसिडेंट होंदी सपोज से पॉइंट हे ओ सो तार इंटेंसिटी केते सो सेठी हम कोन कहबा मैक्सिमम इंटेंसिटी सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कोन में पाइबा काहे कि ना जो सब रे एठी रिफ्रैक्ट होती सो से गुड़ाक इनिशियली कौन था प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल ही था ओके कहीं माने से माने कौन अनडेविएट होना से माने रिफ्रैक्ट हूँ ओके सो जो सब अनडेविएट हो रिफ्रैक्ट हूँ सो से कौन फेज डिफरेंस किसी न था जो फेज डिफरेंस किसी ना मैंने से पाथ डिफरेंस कौन पाथ डिफरेंस किसी न था कहीं से गोटे पर्टिकुलर पाथ ही ट्रावेल करती सो डिफरेंट डिफरेंट पाथ कोरे भी ट्रावेल करती ना सो से भितर गोटे पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस बा पाथ डिफरेंस आम कहीपर जे जीरो बोली ओके सो फाइनल आम पॉइंट ओरे आम कौन पाइबा ना मैक्सिमा पाइपर मैक्सिमम इंटेंसिटी आम पाइपर ओके सपोज सिमिलरली आम से स्क्रीन उपर सपोज आउ गोटे पॉइंट कनसीडर कर सपोज पॉइंट पी ओके सपोज आम जो सेकेंडरी वेवलेट गुड़ा कनसीडर कर सेकेंडरी वेवफ्रंट कनसीडर करते सो तार कि पार्ट कौन है सो कि पार्ट बा कि रे कौन है डेविएट है बाय मीनस ऑफ एंगल थीटा सो जो रे गुड़ाक डेविएट है सो से गोटे पर्टिकुलर पॉइंट जा मर्ज करेंगे सो सपोज से पॉइंट हो पी सो ये कौन आसो सो से गोटे पर्टिकुलर पाथ के ट्रावेल करेंगे ना मानने गोटे से भितर किसी ना कि पाथ डिफरेन्स रो से भितर जेहेतु फेज डिफरेन्स आरइज हो सो से कौन आसो सेकेंडरी मिनिमम ओके बा मैक्सिमा डिपेंड कर क्या उपरे ना पाथ डिफरेन्स कंडीशन उपरे सो ये आमर पाथ डिफरेन्स के आसो सो जदि आम पॉइंट पी कथा कनसीडर करे सो पॉइंट पी रे जो सब रे अच्छे सो से सपोज आम दुईटा रे ये कनसीडर करे ओके सपोज गोटे रे जा रु गोटे जा रु ओके सो से भाई पाथ डिफरेन्स के आसो ना बी के सो यहाँ आम के पाइपर ना फास्ट आमको ए पॉइंट रु ए लाइन उपर को कौन करा पड़े गोटे परपेडिकुलर ड्र करा पड़ो जो ड्र करे ए के ओके सो ए कंसीडर कर ट्रायंगल ए बी के ओके सो ए बी के इज राइट एंगल ट्रायंगल सो एथरे बी ए के एंगल हो थीटा सो ए ट्रायंगल साइन थीटा के आसो ना साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होते हैं पी बाय एच ओके सो जो आम कैलकुलेट करवा बी के आसो ए बी साइन थीटा और बी के आम जेहतु जानचे ए बी के ये स्लिट विड्थ के ना डी सो बी के इक्वल टू डी साइन थीटा ओके सपोज एवं आम कनसीडर कर सपोज बी के इक्वल टू लामडा एंड थीटा इक्वल टू थीटा वा सो ए पुट कर दे इक्वेशन रे सो बी के इक्वल टू डी साइन थीटा सपोज इक्वल टू लामडा सो साइन थीटा वन के आसो सो साइन थीटा वन इक्वल टू लामडा डिवाइडेड बाय डी सो यही कंडीशन अनुजाई एवं आम पी रे कौन पाइपर पी रे आम फास्ट सेकेंडरी मिनिमा एवं ऑब्टेन करिबा ओके ता माने कौन जदि आम जो स्लिट विड्थ आम नौचे ओके स्लिट विड्थ के ना डी जो स्लिट विड्थ अच्छी ए बी ओके सो सेटा आम इमाजिन करें सेटा इक्वल टू हाफ्स डिवाइड कराई ओके सो इक्वल टू हाफ्स मैंने इच हाफ केते पाथ डिफरेंस क्रिएट कर लैम्डा बाय टू ओके
सो से पी रे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हम जहाँफल आम कौन पाइबा मिनिमम इंटेंसिटी। सिमिलरली आम जब एवं कनसीडर करवा बीके इक्वाल टू टू लैम्डा एंड थीटा इक्वाल टू थीटा टू जमीक आम प्रीवियस केस रे कनसीडर करते के आसो टू लैम्डा इक्वाल टू डी साइन थीटा टू इक्वाल टू टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। सो एबे ए इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट करुची सो एबे ए इक्वेशन अनुजाई ताले पीटा एबे कौन हबो सो पीटा हबो एबे सेकंड सेकेंडरी मिनिमम। सो एटा हला फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ओके एटा हबो सेकंड सेकेंडरी मिनिमम ओके। सो ए केस रे जेमिते आमे एठी आमे कौन कंसीडर करथले जे अपर्चरटी टू हाफ्स रे डिवाइड हेजी। सो ए केस रे आमे कौन कंसीडर करि परबा जे ए अपर्चर बा स्लिट विड्थ टी इक्वल फोर हाफ्स रे डिवाइड हेजी। सो ईच पार्ट ऑफ पाथ डिफरेंस केत हबो लैम्डा बाय 4 ओके सॉरी लैम्डा बाय 2 ओके। सिमिलर यदि फॉर एनथ मिनिमा कंसीडर करबे ताले कोन हबो ता पे एक्सप्रेशन जनरली कोन आसीबो साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी। सो आर सिग्निफिकेंस कोन ता माने कोन होची आमे जो अपर्चर कंसीडर करबा ताले ताको इक्वल एन पार्ट्स रे डिवाइड करबा ओके। सो एन मे बी 1 2 3 4 लाइक दिस ओके। सो हमको जते नंबर ऑफ मिनिमा दरकार सो आम ए फर्मूला आम कनसीडर कर पार। सो सिमिलरली सो ईच पार्ट ऑफ पाथ डिफरेंस के आसो लैम्डा बाय 2 ओके। सो इफ द पाथ डिफरेंस पी के इज द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 देन व्हाट विल हैपन सो विल गेट ऑल सेकेंडरी मैक्सिमम्स ओके। सो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम्स व्हाट इज द कंडीशन bk should be equal to d sin theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2 that implies sin theta n equal to 2n plus 1 lambda divided by 2d where n is the integers okay 1 2 3 4 like this okay. So by this condition we can get all the secondary maxima. So ami jo diffraction pattern paiba keu bhali paiba na ei bhali okay. So all the secondary maxima lie between the minima on either side of the central maxima and the intensities falls gradually okay. So eta hoche amar central maxima so ame jemiti kahile so each and every side re ame secondary maxima aur secondary minima pai parau semanankar amplitude kon hobo gradually decrease koribo okay. So this is the first secondary maxima, this is the second secondary maximum, this is the third secondary maximum. So on the both side we will get the secondary maximum, similarly on both side we will get secondary minimum okay. So ebe ame p point re kete intensity calculate kariba so tar jo condition oda asbo so sethura ame different maxima aur minima pai condition oda ko pai pariba okay. So jehetu p point re jo sabu ray guda ko merge hochanti so semana bhitare gote particular path difference rahibo. सो पाथ डिफरेंस केते ना बी के इक्वल टू डी साइन थीटा ओके। सो नेक्स्ट पाथ डिफरेंस ऑफ फेज भितर कौन रिलेशन अच्छे ना फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस दैट मींस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी साइन थीटा ओके। सो वी कैन सपोज सो एबे जदी हमें कंसीडर करबा जे सपोज हमें विड्थ स्लिट रो विड्थ को हमें एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स रे हमें डिवाइड करचे सो केते नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड करचे ना एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स रे डिवाइड करचे ओके। सो सिमिलरली ड्यू टू दिस एन पार्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ओके। सो सिमिलरली पॉइंट पी रे भी एम्पलीट्यूड वेरी करबे ओके। सो टोटल फेज डिफरेंस तले बे केता आसबो सो जति के हमर फेज डिफरेंस बिफोर थिला सो हमें तो कोन करबा एन रे एबे डिवाइड करबो ओके। ताले फाइ के आस 1/n इंटू 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। सो एबे जदि हम रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड कंसीडर करियो जहाँ के हम सपोज आर रे डिनोट करबा सो आर इक्वल के आसो ए साइन एन फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय साइन फाइव बाय टू ओके। सो एबे हम कोन करबा फाइर वैल्यू एबे जस्ट पुट कर दबा ए साइन एन बाय टू फाइर वैल्यू में पुट करी 1/n 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा ओके डिवाइडेड बाय साइन पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन लैम्डा ओके। सो सब्सिक्वेंटली कैलकुलेट कला पर हमें केते पाइबा ए साइन पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन लैम्डा ओके। सो हमें जो ब्रैकेट रे जो टर्म होची पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा सपोज हमें कंसीडर करबा दैट इज इक्वल टू अल्फा ओके। सो एबे हमरो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड केते आसीबो आर इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय एन ओके।
सो जदि आम आलफा बाय एन रेशियो को जदि स्मॉल बोली धरिबा ओके सो साइन ऑफ थीटा ओके केते हो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा सो सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा बाय एन ताले केते हो अल्फा बाय एन सो ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय एन और ए एन साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा सो एबे आमे कोन कंसीडर करा सपोज आमे कंसीडर करबा एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन टेंड्स टू इनफिनिटी माने कोन एन माने कोन आमे जो स्लिट रो विड्थ को नेथले ताको एबे केते डिवाइड करचे सो एन टाइम्स आमे डिवाइड करचे ओके सो एन टेंड्स टू इनफिनिटी ता माने कोन होचे आमे जो स्लिट रो विड्थ नेथले ए बी ओके सो ताको आमे इनफिनिट टाइम्स एबे डिवाइड कर दिजे ओके सो ताहले कोन हो सिमिलरली एम्पलीट्यूड पार्ट रे भी सिमिलरली डिक्रीज आसीबो सो एम्पलीट्यूड केमिति डिक्रीज करबो सो ए टेंड्स टू 0 सो ए ग्रेजुअली कोन हो एप्रोक्सीमेटली 0 हो नॉट इक्वल टू 0 ओके बट द प्रोडक्ट ऑफ एन ए विल बी कोन फाइनाइट ओके सो जेहेतु एटा कंप्लीटली 0 ना ए टेंड्स टू 0 ओके सो प्रोडक्ट ऑफ एन ए विल बी फाइनाइट सो आमे कोन लिख परबा प्रीवियस केस रो सो आर इक्वल टू आमे एन ए को लिख परबा ग्रेजुअल तरह एम्पलीट्यूड पार्ट ए दैट इज साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा ओके सो जदि आम पॉइंट पी रे इंटेंसिटी कथा कैलकुलेट करबा ताले इंटेंसिटी केते आसबो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आई इक्वल टू के इनटू आर स्क्वायर सो आम जस्ट अब आर मल्टीप्लाई कर दबो आर स्क्वायर मींस केते हबो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर सो जदि आम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो के को आम जदि यूनिटी बोली धरिबा ताले आम सिंपली लिख परबा आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और सिंपली ए स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा रो होल स्क्वायर ओके सो आम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे फार्मूला कोन अछि आर इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा सो जदि आम एक्सपोनेंट बाइनरी एक्सपोनेंट करबा ताले केते आसीबो सो ए डिवाइडेड बाय अल्फा सो साइन अल्फा जदि आम एक्सपेंड करबा बाइनोमियल केते आसीबो सो केते आसीबो अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 7 बाय 7 फैक्टोरियल लाइक दिस ओके सो आम तो केते लिख परबा ए इनटू अल्फा जदि मु भीतर मल्टीप्लाई करतेबे केते आसीबो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 6 सॉरी एठी अल्फा 4 आसो सॉरी अल्फा 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 6 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल ओके सो आर वैल्यू केतोले मैक्सिमम आसो सो आर मैक्सिमम केतोले हबो जेतो बळे आमे कंसीडर करचे अल्फा अल्फा हम केतने इतले पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0 सो एही कंडीशन रही हमर आर रो वैल्यू केते आसीबो मैक्सिमम आसीबो सो ए कंडीशन आमे थीटा केते पाई परबो सो अल्टरनेटिवली थीटा केते हो थीटा इक्वल टू 0 सो आमे आर मैक्सिमम केते पाई परबो और मैक्सिमम केते पाई परबो सो दैट मस्ट बी इक्वल टू ए ओके सो हम जदी मैक्सिमम इंटेंसिटी को आमे आई 0 रे डिनोट करू जे ओके सो आई 0 होची मैक्सिमम इंटेंसिटी सो दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आवर ए स्क्वायर काहे कि ना आमे जानिचे आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो आमे एठी मैक्सिमम वैल्यू केते पहिले आर मैक्सिमम वैल्यू सो और आर मैक्सिमम नोवा सिमिलरली आई रो मैक्सिमम वैल्यू होचे आई 0 ओके सो आई 0 प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम माने केते ए स्क्वायर ओके सो आई 0 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर सो दिस इंडिकेट्स द सेंट्रल मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 0 सो 8.0 सो मैक्सिमम आमे कोट पाइबा ना सेंटर ही पाइबा जोठी की थीटा इक्वल टू 0 माने सब जक रे अनडिवाइड है कि जोठी मर्ज होथिबे सो सेठी ही आमे मैक्सिमम इंटेंसिटी पाइबा जोटा होची आई 0 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू 0 सो आमे जदी सेकेंडरी मिनिमम कंसीडर करचे ताले केतोळ आमे सेकेंडरी मिनिमम पाइबा जेतोले साइन अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू प्लस और माइनस पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई लाइक दिस सो अल्फा रो वैल्यू हम कितने नहीं छे पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा ओके सो अल्फा इक्वल टू पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा और इक्वल टू प्लस और माइनस n पाई और हम लिख परबा डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस n लैम्डा वेयर n इज द इंटीजर लाइक 1 2 3 4 लाइक दिस ओके सो जदि आमको सेकेंडरी मैक्सिमम पाइबाक है तो आम कौन करा पड़ो इंटेंसिटी को अल्फा द्वारा कौन करा पड़ो डेरिवेटिव काढ़ पड़ो माने डी आई डिवाइडेड बाय
डी अल्फा सो आमको ये डिफरेंशिएट करा पड़ो सो आई रैल्यू आम आगे जाने सो के ए स्क्वायर इंटु साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो ए स्क्वायर जब आम कमन नौचे सो जनरल आम जमी डिफरेंशिएट करे सेमती डिफरेंशिएट करवा ओके सो ताको आम क्या सहित इक्वेट करवा इक्वल टू जीरो ओके सो यू के अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के यहाँ जीरो मल्टीप्लाई हेल्ले जीरो आसो राइट हैंड साइड सो अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा और जब आम अल्फा कैलकुलेट करवा तो अल्फा के साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा सो आम को ग्राफिकली भी प्लॉट कर परिबा ओके सो फर्स्ट होची वाई इक्वल टू अल्फा आम रिप्रेजेंट करचे एठी बाय मीन्स ऑफ एंगल 45 डिग्री और नंबर ऑफ आर ऑफ ब्रांचेस अच्छी मैंने डिसकंटिन्यूअस क्रॉप कर्व गुड़ा अच्छी ओके सो यो कर्व आ ए लाइन माने ए वाई इक्वल टू टैन अल्फा आउ वाई इक्वल टू अल्फार जो इंटरसेक्शन पॉइंट गुड़ाक अच्छी सो तार डिफरेंट वैल्यू गुड़ाक रही जमीक सपोज अल्फा इक्वल टू जीरो थ्री पाई बाय टू रही फाइव पाई बाय टू ओके सेवेन पाई बाय टू सो एगुड़ाक डिफरेंट वैल्यू कौन इंडिकेट करना फर्स्ट सेंट्रल मैक्सीमा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सीमा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सीमा लाइक दिस ओके जमीक आम जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सीमा कथा चिंता करवा ताल तापे आसीबो अल्फा इक्वल टू जीरो माने अल्फा जदि जीरो हला माने केते आसीबो हमर मैक्सिमम वाई इक्वल टू आई जीरो दैट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर आम जदि सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कथा कंसीडर करू ताल तापे अल्फा केते आसीबो 3 बाय बाय 2 ओके सो जदि आमे तापे आमे आई कंसीडर करबा ताले केते आसीबो नियरली इक्वल टू आई जीरो डिवाइडेड बाय 22 सिमिलरली आमे थर्ड पे कंसीडर कर परबा फोर्थ पे भी कंसीडर कर परबा ओके सो यहाँ थी फ्रानोफर डिफ्रैक्शन आटे सिंगल स्लिट।